हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं लेके आई हूँ एक लव रीडिंग फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of June टू 20th of June। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए केप्रिकॉन के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर केप्रिकॉन फॉर द नेक्स्ट 10 डेज। ओके केप्रिकॉन, हमारे पास 3 कार्ड्स हैं टैरो डेक से, 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द मून। अब सोर्ड्स है हमारी एयर एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, बट उसमें से एक ऑप्शन ना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अच्छा बहुत लगेगा, बट वो थोड़ा सा इल्यूजन टाइप होगा। मतलब वो जो दिख रहा होगा वो होगा नहीं, तो वो आपको अपने विजडम के हिसाब से चूज करना है, अपना विजडम उस टाइम पे आपको यूज करना है, आपके वाइज डिसीजन लेना है आपको उस टाइम पे, कि आप इल्यूजन की तरफ ना जाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक इंसान होगा जो बिल्कुल परफेक्ट, पिच परफेक्ट होगा आपके ड्रीम्स के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बट हो सकता है वो इंसान प्रिटेंड कर रहा हो, हो सकता है वो आपका ड्रीम पर्सन हो, ड्रीम गाय हो, गर्ल हो, परफेक्ट हो, बट जो वो दिखा रहा हो या दिखा रही हो वो एक्चुअल में हो ना, वो एक छलावा सा बोलते हैं ना जैसे हिंदी में, वैसा सा हो सकता है। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें बताता है कि किसी तरीके की ना आप रूटीन फॉलो कर रहे हो, रूटीन फॉलो कर रहे हो, और थोड़ा सा लोग ना आप पे डिपेंड कर रहे हैं, आप डिपेंडेबल बन रहे हो, आप कोई एक टाइम पे उठना बैठना वैसी चीज़ स्टार्ट कर दी है आपने। ऑल्सो जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे, ये ऑप्शन आपका जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है और पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है, मैंने आपको बताया, बट इनमें से ना आपका इल्यूजन वाले का तो मैंने आपको बता दिया है, बट जो दूसरा ऑप्शन होगा वो इंसान आपके टाइप का नहीं होगा। आपको लगेगा यार ये कैसा सा है या ये कैसी सी है, ये इसके संग नहीं जमेगी, ये मेरा पर्सन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत डिफरेंट है, मुझे ऐसा इंसान पसंद नहीं है। और दूसरा इंसान जो आपका बिल्कुल आपके टाइप का होगा, वो उसके साथ उस केस में कुछ छलावा हो सकता है आपके साथ। तो मैं आपको बोलूँगी कि थोड़ा सा टाइम लीजिए आने वाले 10 डेज में, प्लस माइनस फ्यू डेज में थोड़ा सा टाइम लो, हबड़ दबड़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो इंसान है ना ये बहुत ही कैजुअल है, दूसरा इंसान ये बहुत कैजुअल है, इजी गोइंग है, इसको ज़्यादा लोड नहीं लेता है, ये लेता या लेती है किसी चीज़ की, स्पोर्ट्स में रुचि रख सकते हैं ये, एवरेज हाइट हो सकती है इनकी, अगर लड़के हैं तो 5'7", 5'8", 5'6" के आसपास हो सकती है, अगर लड़की हैं तो भी एवरेज हाइट हो सकती है इनकी, बहुत लंबे नहीं होंगे ये, बट स्पोर्ट्स पसंद है इनको, कैजुअली ड्रेसअप होना पसंद है इनको, बहुत ही वेल ड्रेस्ड नहीं होंगे ये, बाल भी थोड़े से बिखरे हुए टाइप, बट ये आपके इंसान हैं। तो आपको देखने से लगेगा कि यार नहीं इनके साथ नहीं हो पाएगा, बट आप थोड़ा सा टाइम लो, एक चीज़ को देखकर उसको जज मत करो, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, वो जो चीज़ बोली गई है ना वो बहुत सही बोली गई है। आप थोड़ा सा टाइम लो, क्योंकि जो दो ऑप्शंस है ना जिसमें आपको चूज़ करना है, आपकी लाइफ बन सकती है या बिगड़ सकती है इसकी वजह से, तो आप किसने आपको बोला जल्दी डिसीजन लेने को, आप अपना टाइम लो आराम से। दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कि ये इंसान जो है ना दूसरे वाले, ये आपका ध्यान बहुत रखेंगे, और ध्यान बहुत रखेंगे, बट वो एक वैसी चीज़ नहीं होगी कि आपको लगेगा कि ओहो कितना ध्यान रखता है ये मेरा, एंड देन 3 महीने बाद वो ध्यान गायब, तो आपको लगेगा कि यार ये तो ब्रेड क्रम्बिंग हो गई, ये इंसान ने पहले तो मुझे बहुत प्यार किया पहले 3 महीने, फिर अब कहाँ गया वो प्यार। वो आपका होगा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो के साथ, ये जो इंसान है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनके साथ आपका बहुत सही बैठेगा, ये आपको उतना एक रोमांटिसाइज नहीं कर देंगे इस रिलेशनशिप को, बॉलीवुडिश प्यार नहीं होगा इनका, बट कंसिस्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग के 3 महीने कुछ होगा, बहुत ज़्यादा बिल्कुल हनीमून पीरियड में लवी डवी कर दिया और फिर बाद में गायब हो गया, और बोल रहे हैं कि यार ये हमेशा थोड़ी ना होता है ऐसा प्यार, कई लोग बोलते हैं कि स्टार्टिंग में होता है बाद में नहीं होता,
तो इनका वैसा नहीं होगा। ये स्टार्टिंग में भी जितना ध्यान देंगे, जितना आप पे ध्यान देंगे, जितना आपका ध्यान रखेंगे, ये उतना ही बाद में रखेंगे, इनका कुछ भी एक्सट्रीम नहीं होगा। ठीक है, अब देखते हैं लव एंड कनेक्शन डेक से हमारे पास क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं कैप्रिकॉर्न के लिए नेक्स्ट 10 डेज के लिए क्या लव मैसेजेस हैं। ओके ओके, कैप्रिकॉर्न बहुत क्लियर मैसेज है। देखिए जो प्यार है ना आपको, ये जो दूसरे इंसान है इनसे प्यार होगा। ठीक है, यहाँ पे ना पहले रिलेशनशिप में, सॉरी पहले कनेक्शन में जो पहला ऑप्शन है आपका, उसमें आपको कई चीज़ें ऐसी दिखेंगी कि आपको लगेगा कि यार इसके पास तो ये भी है। उसमें ना आप टिक मार्क कर रहे होगे बेसिकली एक लिस्ट को। सेकंड ऑप्शन जो होगा इसमें आप टिक मार्क नहीं कर रहे होगे, इसमें आपको बस अपने आप ही पढ़ते चले जाओगे इस इंसान में। आपको कुछ तो उसमें पसंद आता चला जाएगा, चीज़ें लिस्ट टिक मार्क नहीं हो रही होगी आपकी बिल्कुल भी, बट फिर भी आपको ये इंसान पसंद आएगा क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल प्यार होगा उनकी तरफ से भी आपकी तरफ से भी। लव इन स्पाइट ऑफ इट ऑल, ठीक है, चाहे चीज़ें ना मिलती हों तब भी प्यार होगा। टाइम फॉर अ लव फेस्ट, मैंने आपको बोला दो ऑप्शन होने वाले हैं तो आपको बहुत जगह से अटेंशन मिलने वाली है, प्यार मिलने वाला है, थोड़ा सा आपको अच्छा भी फील होगा कि अरे यार इतनी जगह से अटेंशन मिल रही है। बट उस फीलिंग में ना बह मत जाना, आप ये मत सोचना कि अरे यार ये तो मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, ये मुझ पर कितना ध्यान दे रहा है, इसको चूज करती हूँ मैं। ऐसे लाइफ पार्टनर चूज नहीं होते हैं। ठीक है, टाइम लीजिए अपना, देखिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंसिस्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे आपको, एक होता है ना आपको अगर कोई दिक्कत हो रही है तो दूसरा कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है वो आपकी दिक्कत सॉर्ट आउट करने में, आपको समझने में। अगर दूसरा इंसान ये बोल रहा है कि अच्छा यार तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो जाएगा ठीक, मुझे अभी काम है, मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ, ऐसे नहीं चलती है लाइफ। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, लव फेस्ट है बट लव फेस्ट में बिल्कुल ही रम मत जाइएगा आप। इन्जॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस कैप्रिकॉर्न, आपको अगर ये लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते हो क्योंकि आप थोड़े से वियर्ड हो या थोड़े से अजीब हो या बाकी दुनिया में ढलते नहीं हो आप, जैसे बाकी, मुझे ऐसा लगता है आजकल सब लोग ना एक दूसरे की फोटोकॉपी बनते जा रहे हैं, चाहे आप बोटॉक्स को लेके कह लो या बोलने के तरीके को लेके कह लो या सोचने के तरीके को लेके कह लो, बट कोई इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट लगता ही नहीं है आजकल, सब वैसे ही सेम ही लगते हैं। तो आप जो हो ना, आपकी जो यूनिकनेस है वो आप ख़त्म मत करना, वो अपना बरकरार रखना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो फर्स्ट कनेक्शन होगा आपका, ऑप्शन होगा, मैं बार बार कनेक्शन बोल देती हूँ, आई एम सॉरी, बट जो फर्स्ट ऑप्शन होगा आपका पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, उसके साथ ना आप अपनी यूनिकनेस लूज कर दोगे क्योंकि उसके साथ एक लिस्ट बनी हुई है, वो लिस्ट टिक मार्क हो रही है और आप चाहते हो कि वो लिस्ट वैसी ही रहे, तो आप कोशिश करोगे ढलने की। और जब आप, कोई भी इंसान ढलने की कोशिश करता है तो वो अपने आप को लूज करता है। सेकंड ऑप्शन के साथ आपको ये चीज़ें नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे आप अपनी यूनिकनेस इन्जॉय कर पाओगे, उसको चेरिश कर पाओगे, वो इंसान भी अपनी यूनिकनेस चेरिश कर पाएगा आपके साथ, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही बैलेंस्ड होगा। सेकंड ऑप्शन लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस, ठीक है, तो ध्यान से चुनिएगा जो भी आप चुने। देखते हैं चार्म्स अब हमारे लिए क्या बोलते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए चार्म्स में से आपके पास क्या है। ओके देखिए हमारे पास है लेटर आई, तो इनका नाम या इनका सरनेम, लोकेशन, कॉलेज, कुछ आई से स्टार्ट हो सकता है। दूसरा है हमारे पास सी, तो सी से भी कुछ स्टार्ट हो सकता है, अगेन नाम, सरनेम, इनिशियल्स हो सकते हैं, सी आई है, आई सी है, कुछ हो सकता है इससे। देखिए अगर आप कुछ बन रहा है तो। तीसरा है हमारा टोटल, पैसा आने वाला है, लक आने वाला है, फॉर्च्यून आने वाला है। हो सकता है आप अभी देखें कि यार ये सेकंड ऑप्शन जो है ना, ये तो ज़्यादा कमा नहीं रहा है इंसान, क्योंकि यूजली हम जो फीमेल्स होती हैं ये इसी एक बेस पे जज करती हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबको चाहिए होती है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, बट सिर्फ वही एक चीज़ काफ़ी नहीं होती है। ठीक है, तो पैसा आने वाला है, हो सकता है सेकंड ऑप्शन के साथ जब आप हों धीरे धीरे वो इंसान आगे बढ़े, क्योंकि वो सॉर्टेड बहुत है ये इंसान, तो जब वो आगे बढ़ें पैसा आ जाए।
ठीक है, वो एक लक्ष्मी बोलते हैं ना कि आपके आने से उनकी लाइफ में लक्ष्मी आ जाए या उनके आने से आपकी लाइफ में लक्ष्मी आ जाए, वैसा भी हो सकता है. कुआला बेयर, अब कुआला बेयर बहुत स्मार्ट होते हैं बट बहुत स्लो होते हैं, तो पेस जो है ना यहाँ पे बहुत स्लो रहेगी. आपको कभी कभी ये भी लगेगा कि यार ये इंसान तो मुझे इंटरेस्टेड लग नहीं रहा है मुझ में, बट प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा. अगर सेकेंड ऑप्शन आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा बॉलीवुडिश रोमांस नहीं हो रहा है आपके बीच में, या आपको लग रहा है कि आप अटेंशन डिजर्व करते हो बट उतनी अटेंशन ये इंसान दे नहीं रहे हैं आपको, दे नहीं रहे हैं आपको, तो थोड़ा सा थमिए, आएगी अटेंशन भी आएगी धीरे धीरे. थोड़ा ये स्लो हैं, थोड़े से ना ये वैसे इंसान है कि अगर ये आप फीमेल हैं जो देख रही हैं और आपके इंसान अगर मेल हैं, तो जैसे लड़के नहीं होते, कई बार लड़कों को समझ नहीं होती कि क्या करना है, कि क्या अच्छा लगेगा लड़की को, डेट पे क्या करना है, डेट पे लेके जाना है तो कहाँ लेके जाना है, कौन सी जगह होगी, कितनी बार बात करनी है, कई चीज़ें नहीं समझ आती है, कई बार लड़कियों को भी नहीं समझ में आती, तो वैसी सी थोड़ी सी वाइब है. तो आप डिसअपॉइंट मत होना कि अरे इनको तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में, इंटरेस्टेड हैं, उनको बस पता नहीं है कि किस टाइम पे क्या करना है, ठीक है. दूसरी चीज़, हमारे पास एक एंजल विंग है, तो आप फिक्र मत करिए, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है. अगर आपको कन्फ्यूजन भी है, कोई देखिए कन्फ्यूजन में वैसे भी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए कभी भी. अगर आप कन्फ्यूज्ड हैं दैट मीन्स कि आप क्लियर नहीं हैं, और जब क्लैरिटी नहीं हो तो कोई डिसीजन मत लो, एज सिंपल एज दैट. कौन जल्दी मचा रहा है, कोई एग्जाम तो है नहीं, 2 घंटे की टाइम लिमिट तो है नहीं, कोई पास फेल तो होना नहीं है किसने, क्यों जल्दी, किस चीज़ की जल्दी. तो टाइम लीजिए अपना, अपनी गाइडेंस को, यूनिवर्स को, अपनी इंट्यूशन को, जो एंसेस्टर्स स्पिरिचुअल रेल्म या फिजिकल रेल्म में कोई लोग जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो जो आपको गाइड करे, वो गाइडेंस को सुनिए, समझिए. दूसरा एक और मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रही है कि आप ना जो पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो होंगे उनके संग ना आप बहुत बंद के रहोगे, आप बहुत रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, क्योंकि हमेशा आपको ये लगेगा कि यार ये इंसान मुझसे बेटर है, ये कहीं छोड़ के ना चले जाए, ठीक है. ये जो इंसान है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, इनके साथ ना आप उड़ोगे, लिटरल उड़ोगे, आप फ्री महसूस करोगे इनके संग, आपको कोई बंदिश नहीं महसूस होगी इनके साथ. बस ये इंसान थोड़े से डिफरेंट है आपसे, स्टार्टिंग में थोड़े से डिफरेंट है आपसे, तो हो सकता है आपका झुकाव हो ही ना इनकी तरफ, बट थोड़ा सा टाइम लो. लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए ना कैप्रिकॉर्न लिस्ट ज़रूरी होती है, बट सिर्फ लिस्ट ज़रूरी नहीं होती है, आपको बहुत और चीज़ें देखनी पड़ती है. और फिर डिपेंड भी करता है कि आपने लिस्ट में चीज़ें डाली क्या हैं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफकोर्स, बट और क्या डाला है, कंपैटिबिलिटी ऑफकोर्स, बट और क्या डाला है, बहुत चीज़ें ज़रूरी होती है, तो हो सकता है आपने लिस्ट ही गलत बनाई है. लास्ट है चार्म हमारे पास, वाइन. देखिए किसी तरीके की सेलिब्रेशन होने वाली है, या तो ये आपके इंसान जो हैं ये वाइन पीना पसंद करते हैं, आप वाइन पीना पसंद करते हैं, कोई अल्कोहल का बहुत शौकीन है यहाँ पे, या फिर किसी तरीके की कोई सेलिब्रेशन होने वाली है. हो सकता है आप इनको हाँ बोल दें, ये आपके पास आए, चीज़ें धीरे 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 करके, क्योंकि क्वाला है तो धीरे धीरे ही बढ़ेंगी, बहुत जल्दी नहीं होएगा कुछ भी, पेशेंस रखिएगा, बट धीरे धीरे करते करते चीज़ें मटेरियलाइज हो जाएं और तब शायद सेलिब्रेशन हो. नेक्स्ट 10 डेज में नहीं, बट उसके बाद मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड जुलाई तक, मे बी मिड जुलाई, जुलाई एंड तक शायद हो सकता है कि ये सेलिब्रेशन हो, चीज़ें फ्रूटफुल हो. बट हाँ, मोस्टली यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से मेरे पास आपके लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है कैप्रिकॉर्न, तो प्लीज़ लाइक करें मेरी वीडियो, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का, मुझे अच्छा लगेगा. थैंक यू, बाय.